ये रहा रायपुर रेलवे स्टेशन। नौमनी से ट्रेन में यात्रा कैसे कैसे की होगी मैंने, तो भाई वो मैंने नौमनी से नहीं भाई टिकट कटवाई, पर वो कैसे कटवाई थी तो भाई मैं मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले का आदिवासी हूँ और एक और नए ब्लॉग में आपका स्वागत करता हूँ। और भाई मैं जा रहा हूँ खाना खाने बाहर, राइट। और अभी जो आपने पिछला ब्लॉग देखा होगा हॉस्टल में था, अभी भी मैं हॉस्टल में हूँ। मुझे 4 बजे निकलना, अभी 10 बज रही है, नहीं 3 बजे निकलना है। तो अभी तो मैं भाई खाना खाने जा रहा हूँ, खा के आता हूँ और फिर भाई जो भी होगा देखा जाएगा। 3 बजे निकलना है क्योंकि भोपाल के लिए। ओके, अब मैं ट्रेन से निकलूँगा, ट्रक से अभी नहीं आऊँगा, प्रॉब्लम होगी। पिछले ब्लॉग में ना बताया भी भाई 150 ओनली 24 घंटे के। ओके, तो इतना ही है बस। तो जस्ट भाई निकल के अपन को रेलवे स्टेशन मिल जाएगा, वो जस्ट सामने है ना वो रेलवे। देखता हूँ कहाँ पर अच्छा मिलेगा। तो भूख के बारे में क्या बताऊँ भाई, इतनी भूख लग रही है ना, बात जाने दो भाई थोड़ा भाई। क्योंकि मैंने समथिंग परसों खाया था, हाँ परसों शाम को खाया, उसके बाद मैंने खाया नाश्ता वास्ता किया था भाई, ऐसे ही चल रहा था भाई। कुछ ये है रायपुर सिटी भाई, साथ में भी कुछ वीडियो बनाया था, पानी का भी मौसम लग रहा है। मंदिर है भाई, जस्ट रेलवे स्टेशन के पास ही हूँ ताकि मुझे दूर ना जाना पड़े, राइट। खुद सामने भी करका है भाई, घर जैसा भोजन भाई, घर जैसा होगा तो खा लूँगा, यदि घर जैसा नहीं निकला तो मैं तेरे को घर भेज दूँगा। नहीं औका दे तो किसी को घर भेज दूँगा ना बाबा, ना ऐसा ना कर। तो यहाँ पे है भाई नॉर्मल थाली 100 रुपीज़ की, तो मैं सोच रहा हूँ उसी होटल में खा लेता हूँ, देखता हूँ क्या है क्या नहीं। भाई गिले है पूरे, जो है भाई 100 रुपीज़ है 120 है। मैंने भाई बोल दिया भाई मेरे को ज़्यादा महंगी नहीं चाहिए, 100 रुपीज़ बजट के हिसाब से देखना पड़ता है। सब लोग क्या ले कुछ चले भाई, कहाँ इधर बैठ सकता हूँ पर उधर अंदर घूम रहा कुछ चीज़ें वहाँ पर। हाथ तो धोया नहीं, इधर आ गया मैं, हाथ धो बैग होटल में रखाया हूँ। और भाई तेरी फेस की यहाँ बैग होटल में रखा सर, जो छत्तीसगढ़ में देख लिया, छत्तीसगढ़ में वाटरफॉल है वो देखा है। उसके बाद आप भी सोच रहा हूँ भाई जो राजस्थान जयपुर जो है चंदन चित्तौड़ है, तो वो वाला प्लेन ट्रेन जो है वो वाला है। उसके बाद देखा, उसके बाद पहले नहीं बता सकता कि कौन सा राज्य विजिट करूँगा, बट ये वाला राजस्थान विजिट करूँगा, उसके बाद बता दूँगा आगे वाला कौन सा विजिट। भाई इतने प्रकार की चीज़ें मुझे भी नहीं पता कितने प्रकार, व्हाट इज दिस, ये क्या चीज़ है भाई। तो भाई भाई मैं बोल रहा था, मैं खा के आ चुका हूँ उधर होटल से, और मैं बोल रहा था जैसे मैं आप मुझे देखते होंगे घूमता है बहुत मज़े करता होगा, फुल मज़े करता होगा। भाई मैं आपको बता दूँ, मज़े से ज़्यादा मैं परेशानियों का सामना करता हूँ, बहुत परेशानी, मज़े से ज़्यादा परेशानियों का सामना करता हूँ मैं। तो लाइफ इतनी कठिन है ना कुछ, पर वो क्या बोलते ना, वो स्ट्रगल है, अपन उसको कुछ बोल ही नहीं सकते, बराबर। वो स्ट्रगल है तो स्ट्रगल तो करना पड़ेगा, टाइम यही है ना स्ट्रगल करने का। भाई क्या सीधा इंदौर के लिए भी गाड़ी आपको मिल जाए, इंदौर के लिए मिलेगी, रीवा के लिए, भोपाल भोपाल ज़्यादा फेमस नहीं है लगता, इंदौर बहुत ज़्यादा है। देखो इंदौर की गाड़ी मिल रही है और भोपाल की पुणे पुणे की मिल रही है और बहुत सारी है, बट पर आपने MP में रीवा की है, इंदौर की है। रीवा मेरे को भाई एक बार बता दूँ, मेरे को ये
कल पता है ये रायपुर है, रायपुर में कल मोदी आए थे। मैं बता रहा था भाई, जैसे मेरे को टाइम मिलता है मैं इंस्टाग्राम पे जितने भी जो ऐसे में आते हैं मैं भाई सबको रिप्लाई देता हूँ। तो मैंने आज जैसे मेरे को टाइम मिला मैंने सबको रिप्लाई दिया, राइट। तो मुझे टाइम ना मिले और मैं रिप्लाई नहीं दे पाता हूँ तो बुरा मत माना करो भाई, क्योंकि टाइम लग जाता है वो रिप्लाई देने में, राइट। तो वो चीज़ बता रहा था मैं, टाइम लग जाता है, मतलब मैं दे नहीं पाता हूँ। जैसे टाइम मिलता है मैं सबको देने की कोशिश करता हूँ रिप्लाई, राइट। और डायरेक्ट नंबर मत मांगा करो, दिल टूट जाता है। नंबर क्या है ना, फिर कॉल बहुत आता है, परेशान में बहुत होता हूँ। तो गाइस भाई मैं आ चुका हूँ, एक कारण है ना, चार्जर ये पड़ा है, देख इधर है, नीचे रख देता। अरे यार इसको बटन को तो लगा दूँ, अंधेरे में थोड़ी सी इसकी क्वालिटी यार गिर जाती है समथिंग। तो भाई मैंने भाई ना लिया है, बैग भी ऑफिस को कर दिया है। अब मैं मजे से मोबाइल को इंस्टाग्राम रिप्लाई देता हूँ और एडिटिंग करता हूँ, राइट। चार्जिंग पे लगा हुआ है और फिर 3 बजे निकलेंगे यहाँ से, हो गया। तो गाइस मैं निकल रहा हूँ भाई, पर चार्जर लेना भूल ही जाता मैं भाई, पर्स इधर पड़ा है, ये बैग मैंने रेडी कर दिया है, पैसा मतलब मैंने डाल दिया है, चलता हूँ। तो भाई मैं निकल चुका हूँ बाहर, अब मैं चलता हूँ भाई रेलवे स्टेशन, ओके। तो गाइस भाई ये रहा रायपुर रेलवे स्टेशन, मैं आ चुका हूँ अंदर, मतलब अंदर नहीं आऊँ बाहर हूँ, अंदर जा रहा हूँ, ओके, राइट। और भाई जो थंबनेल देखा आपने कि भाई नौ मनी से ट्रेन में यात्रा कैसे की होगी मैंने, तो भाई वो मैंने नौ मनी से नहीं भाई टिकट कटवाए, पर वो कैसे कटवाए थे वो देखो भाई, मुझे हेल्प कर देते हैं उन्हीं पैसों से, मैं भाई अंदर जो वो जो हेल्पिंग पैसे होते हैं उनसे कटवाए भाई, तो मेरे पैसे तो लगे नहीं, बट लोग अच्छे होते हैं कि हेल्प कर देते, वो कहीं ना कहीं काम आते हैं, राइट। रानी कमलापति रेलवे स्टेशन ये वाला, और मैं निकल के बाहर आ चुका हूँ। और भाई आप ये वाले ब्लॉग को, ये वाले ब्लॉग के बाद क्या पता आप राजस्थान का ब्लॉग देखोगे, ओके। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, मेरे को ये क्यों आता भाई नेक्स्ट ब्लॉग में, मैं ऐसा नहीं बोल सकता अगले ब्लॉग में मिलते हैं, ऐसा नहीं बोल सकता साला दिमाग ही क्या है यार। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, जय जोहार, जय आदिवासी, जय हिंद, जय भारत, ओके, लव यू ऑल।